अच्छा अहमद भाई, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ये कम से कम कितना पैसा चाहिए मोबाइल बिजनेस शुरू करने के लिए? मिनिमम आप 5 लाख के बजट से अपना काम शुरू कर सकते हैं। 5 लाख का बजट डिवाइड कैसे होगा? मुख्तलिफ ब्रांड्स ले लें, हर एक के दो दो तीन तीन चार चार पीसेज रख लें, और आप पहले 5 लाख का सामान रख के वहाँ देखेंगे आपके पास कस्टमर आता किस मतलब लेवल का है, कितने पैसों का ख़रीदने आता है, किस तरह की आपके पास वहाँ मांग है, कीपैड के फ़ोन है, एंड्रॉयड है, वहाँ सैमसंग ज़्यादा पसंद करते हैं, ओप्पो, रियलमी, हवावे, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ये चीज़ें सारी इंक्लूड होंगी, क्यू मोबाइल है, ये सारी चीज़ें आप पहले वहाँ रख कर सामान देखेंगे कि आपके पास फुटफॉल कौन सा है। जब आपके पास फुटफॉल आ जाएगा फिर आपको पता लग जाएगा कि मैंने नेक्स्ट जो परचेजिंग करनी है वो क्या करनी है। अच्छा, दुकान 5 लाख में दुकान का किराया कितना लेगा, कितनी तकरीबन? ये तो वेरी करता है ना, ये वेरी करती हैं बातें सारी इसके ऊपर कि आपने लोकेशन क्या ली है। लोकेशन का बेहतरीन होना ही इस बात के ऊपर है कि आपके आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको प्रॉफिट कितना आएगा। मेन हब होगा, मेन बाजार होगा, आपकी सेलिंग उस तरह होगी, आपको उसके अगेंस्ट उतना ही प्रॉफिट आएगा। और इसमें एक्सपेंसेस महाना कितने हो जाते हैं? दो लड़कों की सेल्समैन आप रख लें अच्छे, और उसके बाद आप दुकान का अगर आपका 20-25 हज़ार रेंट हो, 1 लाख रुपया तकरीबन मतलब आपका खर्चा बनता है यूजुअल। नहीं, 5 लाख से जो शुरू करेगा वो 1 लाख का महीना खर्चा नहीं, अगर 5 लाख से जो शुरू करेगा उसका वो उसी हिसाब से अपना मैनेजमेंट करेगा, एक खुद हो जाए और एक साथ लड़का हो जाए, और दुकान का 15-20 हज़ार रुपया अगर रेंट हो तो वो उसका 30-40 हज़ार रुपया खर्चा होगा, और उसके अगेंस्ट वो घर भी 50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार सेव कर सकते। अच्छा, इतना 5 लाख से कमा लेगा 60-70 हज़ार? हाँ, 5 लाख से। ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मैं हमेशा आपको बात जोर सिर्फ लोकेशन पे दूंगा और आपके काम सीखे हुए पे दूंगा कि आपने सीखा कैसा है, आपको नॉलेज कितनी है। ठीक है, लोकेशन से मुराद ये है कि जहाँ पे मोबाइल की मार्केट हो, जहाँ लोगों का फ्लो हो, जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। 5 लाख में वो मोबाइल एसेसरीज भी जो रखेगा? एसेसरीज भी ज़रूरी है, ये मोबाइल का हिस्सा है, जान है ये मोबाइल की। प्रोटेक्टर्स, हैंड्स फ्री, पाउचेज, ये सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी होने, डाटा केबल्स, काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है तो इस वजह से मैं आपको बता नहीं सकता क्या चीज़ें रखी जाएँ। ये आपको एसेसरीज वाले से के पास जाना पड़ेगा और उससे पूछना। अच्छा, इस बिज़नेस के अंदर जो है और आप क्या मतलब मशवरा क्या देना चाहेंगे, जो की पॉइंट है जी ये आपने करना है और ये नहीं करना, सीखना, कामयाब हो जाएंगे? सीखना। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप बिज़नेस अच्छे तरीके से करें, पहले उसको सीखें। बिज़नेस के पॉइंट्स हैं, जिस तरह स्कूल में आप जाते हैं तो आप पहले सीखते हैं ना पढ़ना, इस तरह बिज़नेस को पढ़ें, सीखें, प्रैक्टिकली उसको सीखें। अच्छी जगह पर आप जाएं, वहाँ किसी भी दुकान के ऊपर जाकर, सारे ताजर भाई हैं हमारे, किसी की भी दुकान पर आप जाएं और उसके दुकान पर जाकर सीखें। सीखने के बाद आपको पब्लिक डीलिंग समझ आएगी, लोगों से मेल मिलाप समझना, सुनना, फिर आपको समझ आएगा बिज़नेस। आपके सीखने पर डिपेंड करता है, आपकी सेल्समैनशिप होनी चाहिए, आपने मुतमईन करना है अपने कस्टमर। अगर साथ यूज़ मोबाइल का बिज़नेस किया जाए वो भी बहुत अच्छा बिज़नेस है, उसको बेसिकली मैं करता नहीं इसलिए उसके बारे में आपको मशवरा नहीं दे सकूँगा, क्योंकि मेरा ब्रांड न्यू फ़ोन्स का काम है। ठीक है, ब्रांड न्यू फ़ोन की जो प्राइसेस होती हैं वो आप किस तरीके से मतलब आप कैसे ख़रीद सकते हैं? कोई नया बंदा है 5 लाख से शुरू कर रहा है, ताकि उसको कन्फ्यूजन ना हो, इलाके के होल सेलर के पास जाए, काफ़ी सारे इलाकों के जिसने भी मोबाइल का बिज़नेस करना है, शुरू करना है, वो अपने होल सेलर के पास जाए, हर जगह जगह पे होल सेलर्स हैं, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास जाए, उनसे परचेस करें। एक मोबाइल के ऊपर कितना मार्जिन मिल जाता है? देखें जी, ये तो अब आपकी उसके साथ डील है, आप होल सेलर से लें, वो बेहतर अच्छी परसेंटेजेस देते हैं, अच्छे डील देते हैं, कोशिश होती है उनकी होल सेलर्स की भी कि अच्छे तरीके से हमारा ये दुकानदार जिसने काम शुरू करने लगा इसको भी बचत हो, और हमारा मोबाइल के काम के अंदर बहुत प्यार मोहब्बत है, हम सब एक फैमिली हैं, बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं, मोबाइल के काम में सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में मुझे जो लोग भी मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिले हैं, और मैं अपने 15 साल के तजर्बे से ये बता रहा हूँ आपको कि मोबाइल के अंदर आप आ जाएंगे फील्ड के अंदर लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं मोबाइल इंडस्ट्री के। फिर भी अंदाजन मोटिवेशन के लिए बताएं कि एक मोबाइल के ऊपर कितना बच जाता है? सर ये वेरी करता है बेसिकली, अब मैंने काफ़ी अरसे से खुद सेल्समैनशिप से इतनी आगाही नहीं है मेरी कि मैं खुद खड़ा होकर डिस्प्ले के ऊपर कुछ सेट बेचता हूँ, तो ये मुख्तलिफ होता है, कहीं हमें 200 बच जाते हैं, कभी हमें 500 बच जाते हैं, कभी हम 400 बच जाते हैं एक फ़ोन के ऊपर। ठीक।